सबसे पहले तो अपने जन्मदिन को हम शिक्षकों के सम्मान में समर्पित करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मेरा नमन। मेरा दूसरा नमन मेरे शिक्षकों को, जिन्होंने ना सिर्फ मुझे सब्जेक्टिव नॉलेज दी बल्कि मेरी पर्सनालिटी को फ्रेम करने में, मुझे लाइफ स्किल सिखाने में अपना ऐसा योगदान दिया कि आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरा अगला नमन आप सभी को, जिनसे कभी ना कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैंने कुछ सीखा। आप लोग भी मुझे बहुत कुछ सिखाते रहते हो, मुझे पता है इंस्टाग्राम आपने ही मुझे चलाना सिखाया है। आप लोग एक्सपर्ट हो, हम अभी नौ सीखिए हैं तो सीख रहे हैं अभी आपसे। शिक्षकों का क्या योगदान है हमारी जिंदगी में आप इस बात से समझ सकते हो कि अगर कोई इंजीनियर गलत तरह से बन जाए तो क्या होगा, पुल खराब बनाएगा, ब्रिज खराब बनाएगा, वो ब्रिज टूट जाएगा, कुछ लोगों की मौत हो जाएगी, बस इतना ही। अगर कोई डॉक्टर गलत तरीके से बन जाए तो क्या होगा, कुछ लोग समय से पहले यमराज के पास पहुंच जाएंगे, बस इतना ही। पर अगर टीचर गलत तरह से बन जाए, अगर कोई टीचर सिर्फ पैसों के लिए डेडिकेशन में ना हो अगर टीचर में, तो टीचर अगर गलत तरह से बन जाए तो पता है क्या होगा, टीचर्स पीढ़ियां बनाते हैं और ये पीढ़ियां देश को आगे ले जा सकती हैं या बहुत पीछे ढकेल सकती हैं। तो टीचर्स का इतना बड़ा योगदान है। एक आजकल बड़ा अच्छा कोट फ्लोट हो रहा था कि चंद्रयान अपनी कक्षा में इसलिए पहुंच पाया कि बहुत सारे शिक्षक समय पे अपनी कक्षा में गए होंगे। तो दिख तो रहा है कि चंद्रयान गया है, पर उसके पीछे ना जाने कितने शिक्षक हैं जो हर दिन पसीना बहाते हैं, कक्षा में समय पर जाते हैं। और पता नहीं कितने टीचर्स का मोटिवेशन रहा होगा कि लोग साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और क्या कुछ बनते हैं। टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स स्पेशली, आपसे क्या चाहते हैं, इतनी हाई सैलरी होती है गवर्नमेंट टीचर्स की, आप उन्हें क्या दे सकते हो, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, सिर्फ थोड़ी सी रेस्पेक्ट क्या आप देते हो। 10th क्लास में आपके पीछे पढ़ पढ़ के रात दिन जाग जाग के आपको पास कराने वाले टीचर्स को प्लस वन में पहुंचते ही आप भूल जाते हो, क्या याद रखते हो। विश करना भी भारी लगता है, टीचर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सिर्फ थोड़ी सी रेस्पेक्ट, पहले स्टूडेंट से उसके बाद समाज से। एक ऐसे ही कहीं पे मैं एक प्ले स्किट देख रही थी, चार पांच लोग एक रूम में एंटर करते हैं तो सबसे पहला एक बंदा आता है ब्लैक कोट में, तो ये आप कौन है, मैं वकील हूँ। दूसरा आते हैं, आप कौन है, वो ऊपर की चेयर में बैठता है, मैं जज हूँ। तीसरे आते हैं, आप कौन है, मैं डॉक्टर हूँ। चौथे आते हैं, आप कौन हो, मैं इंजीनियर हूँ या मैं IAS हूँ। वो उसके बाद छठे के पास जाते हैं, आप तो एक नॉर्मल से इंसान लग रहे हो, आपके पास तो ना कोई यूनिफॉर्म है ना कोई टाइटल है आपके पास, आप तो शायद बेकार लग रहे हो। तो वो पांचों जाके उस छठे के पैरों में झुक जाते हैं, उन्हें नमन करते हैं कि ये हम पांचों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, आज हम इन्हीं की वजह से डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और जो कुछ भी बन पाए हैं वो बने हैं। हम सीढ़ियां हैं, आप हमारे ऊपर पैर रख रख के ऊपर चले जाते हो, ऊपर बढ़ जाते हो। आप सारी जिंदगी में सिर्फ एक बार बोर्ड एग्जाम देते हो, हम 10 साल से बराबर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और सारी जिंदगी बोर्ड एग्जाम देते रहेंगे विद फुल डेडिकेशन। आपके एंथुसियाज्म और डेडिकेशन में कमी आ जाती है पर हमारे नहीं आती। कभी आपको देख के हैरानी नहीं होती कि हम बोर नहीं होते, हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, साल दर साल अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहते हैं और उसी चाव के साथ, उसी शौक के साथ आपको पढ़ाते हैं। कभी आपको लगता है हमारे चेहरों से कि हम बोर हो गए हैं। तो शिक्षकों को थोड़ा सा और ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, प्रॉब्लम्स कई जगह पर है। गवर्नमेंट की भी पूरी स्ट्रेटेजी है कि सरकारी टीचर्स को इतना ओवरबर्डन कर दो, ऐसे ऐसे काम पकड़ा दो कि वो अपने मेन फोकस, अपने मेन काम टीचिंग से थोड़े डेविएट हो जाए, बाद में उन्हें प्रूफ कर दे कि सरकारी मास्टर तो नकारे होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। पर आपको पता है कि आपके टीचर्स या कहीं पर भी गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर्स कितने वेल क्वालिफाइड होते हैं, कितने ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, किस हाई लेवल का एग्जाम क्लियर करके आते हैं। मुझे पता है जब मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ तो किसी ने मेरे पेरेंट्स को बोला था कि आप बहुत लकी हो कि आपकी बेटी ने
यूपीएससी लेवल का एग्जाम क्लियर करके ये जॉब पाई है। आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग। आपको पता होगा, आपको हैरानी होगी कि अभी जो हमारे स्कूल में रिसेंट ज्वाइनिंग टीचर्स आ रहे हैं, कोमल मैम हो, चाहे अजीत सर हो, सविता मैम हो, राजकुमारी मैम हो, इन सबकी क्वालिफिकेशन पूछी है आपने कभी? कोई नेट है, कोई जेआरएफ है, कोई पीएचडी कंटिन्यू कर रहा है, कोई कर चुका है? ये डिग्री कॉलेज लेवल के टीचर्स हमारे स्कूल सिस्टम में आ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आप भी उस लेवल की वैल्यू उन्हें दो, रेस्पेक्ट दो। तो प्रॉब्लम टीचर्स में बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है फिर? कहाँ है? थोड़ी बहुत शायद आप में है। एक वक्त था जब गुरु द्रोण ने अपने शिष्य से अंगूठा मांगा तो सीधे हाथ का अंगूठा उन्होंने खुश होकर मुस्कुरा के दे दिया। हम आपसे क्या मांगते हैं? सिर्फ कंप्लीट कॉपी और अच्छे मार्क्स ही तो मांगते हैं। क्या आप वो भी नहीं दे सकते हमें? तो प्लीज एक बार जरूर सोचिएगा। और विनती है आपसे, टीचर्स के प्रति अपने मन में थोड़ा सम्मान और बढ़ा लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।